Hello student, today we see the advantage, disadvantage and application of analog and digital communication. Okay, so see the first, that is the advantage of analog communication. The first it is transmitter and receiver are simple. Isme jo transmitter receiver rehta hai wo simple rehta hai. Second advantage hai low bandwidth requirement. Isko jo bandwidth lagti hai wo low lagti hai. Okay. थर्ड है एडवांटेज दैट इज एफ डी एम दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी यूज. ओके, ये जो टॉपिक है एफ डी एम हम लोग नेक्स्ट जो है फ्यू लेक्चर में देखने वाले हो डिटेल में. ओके, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अभी तो सिर्फ यही ध्यान में रखो कि ये एनालॉग कम्युनिकेशन का एडवांटेज है कि हम लोग एफ डी एम यूज करते हैं उसमें. ओके, आफ्टर दैट वी सी द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज नॉइस अफेक्ट्स द सिग्नल क्वालिटी. ओके, सिग्नल क्वालिटी पे जो किसका अफेक्ट होता है, नॉइस का अफेक्ट होता है. ओके, सेकेंड है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट नॉइस एंड सिग्नल. इसमें जो सिग्नल है उसमें से हम लोग नॉइस और सिग्नल सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी डिसएडवांटेज है. थर्ड है रिपीटर कैन नॉट बी यूज बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर. ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम लोग रिपीटर्स यूज़ नहीं कर सकते. अभी रिपीटर्स क्या है, रिपीटर्स हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में अपना कम्युनिकेशन हो सकता है. ओके, लेकिन एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग रिपीटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ओके, फोर्थ है कोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें जो है एनालॉग कम्युनिकेशन में कोडिंग पॉसिबल नहीं है. ओके, उसके बाद में फिफ्थ है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. मीन्स हम लोग इसमें जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते. मीन्स ये जो एनालॉग सिग्नल है या फिर एनालॉग कम्युनिकेशन है, हम लोग मिलिट्री में मीन्स सिक्योर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट जो भी सेक्टर है उसमें हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन नहीं यूज़ कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट है टॉपिक अपना दैट इज़ द एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन से अपने एनालॉग कम्युनिकेशन के फर्स्ट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एएम और एफएम में. सेकंड है टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज़ करते हैं. और थर्ड है टेलीफोन्स में. अभी ये टेलीफोन्स जो है जो भी लोकल एरियाज़ के हैं उसमें हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. अगर आपको टेलीफोन्स में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. अभी फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है, ड्यू टू द डिजिटल नेचर ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल द इंटरफेरेंस ऑफ द एडिटिव नॉइस डू नॉट इंट्रोड्यूस मेनी एरर्स सो डिजिटल कम्युनिकेशन आर हैज़ अ बेटर नॉइस इम्यूनिटी. ओके, अभी इसका जो ट्रांसमिट सिग्नल होता है वो कैसे होता है, डिजिटल इन नेचर होता है. ओके, और जो भी नॉइस में इंटरफेरेंस मीन्स जो भी नॉइस में एरर्स जनरेट होती हैं वो इसमें ज़्यादा नहीं होती है एरर्स. ओके, डू नॉट इंट्रोड्यूस मेनी एरर्स. ओके, सो डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ बेटर नॉइस इम्यूनिटी. मीन्स डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग नॉइस जो है कम होता है. ओके, एरर जो है कम होती है. सेकेंड है एडवांटेज ड्यू टू द चैनल कोडिंग टेक्निक्स यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन. ओके, इसमें जो है डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग कोडिंग यूज़ कर सकते हैं. इसके वजह से क्या होता है, कोडिंग यूज़ करने के वजह से जो भी डिटेक्ट जो भी एरर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं जो भी हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं तब. ओके, थर्ड है देखो रिपीटर्स कैन बी यूज बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल दिस इम्प्रूव द नॉइस इम्यूनिटी फर्दर. ओके, इसमें जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में रिपीटर्स यूज करते हैं, इसलिए जो डिजिटल सिग्नल है वो हर बार क्या हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है. ओके, इसलिए जो भी नॉइस इम्यूनिटी है मीन्स एरर जो होता है नॉइस वो इम्प्रूव हो जाता है अपना. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ देखो ड्यू टू द डिजिटल नेचर ऑफ सिग्नल इट इज़ पॉसिबल टू यूज एडवांस डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स सच एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग और
डेटा कॉम्प्रेशन। ओके, अभी ये सिग्नल जो है इसका नेचर जो है डिजिटल रहता है, इसकी वजह से हम लोग ये किस में यूज़ कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, डेटा कॉम्प्रेशन में ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ है देखो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मेनी वॉइस चैनल्स ओवर अ सिग्नल ओवर अ सिंगल कॉमन ट्रांसमिशन चैनल। ओके, इसमें जो है हम लोग TDM यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स की। उसके वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग यूज़ टू ट्रांसमिट मेनी वॉइस चैनल, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वॉइस चैनल ट्रांसमिट कर सकते हैं एक ही चैनल पे। ओके, सिक्स्थ है देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन मिलिट्री एप्लीकेशंस वेयर ओनली अ फ्यू परमिटेड रिसीवर्स कैन रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल। इसमें जो है हम लोग कोडिंग टेक्निक्स है, इसलिए मिलिट्री में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो सिक्योर ट्रांसमिशन होता है इसमें। ओके, सेवन है देखो, सेवन नंबर का पॉइंट है, डिजिटल कम्युनिकेशन इज बिकमिंग अ सिंपलर एंड चीपर एज कम्पेयर टू द एनालॉग कम्युनिकेशन। मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन कैसा है, अपना सिंपल है और चीप है। ओके, चीप है ना, जो है कॉस्ट भी कम रहती है इसकी। ओके, सो एनालॉग कम्युनिकेशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट है, द बीट रेट ऑफ डिजिटल सिस्टम आर हाई। डिजिटल सिस्टम का बीट रेट्स जो होता है वो हाई होता है, देयरफॉर दे रिक्वायर अ लार्ज चैनल बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम। ओके, इसको तो चैनल बैंडविड्थ है वो ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। सेकेंड है, डिजिटल मॉड्यूलेशन नीड्स सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन। ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या हो लगता है आपको, सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर में क्या रहना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन रहना चाहिए दोनों में। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज़ द अप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन द अर्थ एंड स्पेसशिप्स, ऑलरेडी ये बताया मैंने, रिपीटर्स हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकता है। सेकेंड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थर्ड है मिलिट्री कम्युनिकेशंस विद द नीड कोडिंग, वो भी बताया मैंने कि मिलिट्री में हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योर ट्रांसमिशन होता है, डेटा जो है हम लोग सिक्योर फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। ओके, फोर्थ है टेलीफोन सिस्टम, अभी ये टेलीफोन सिस्टम जो है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन होगा अपना, वहाँ पे ये डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। फिफ्थ है देखो, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है अपना आज का वो एंड हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच।